Okay viewers, this is me Mehran Khan and you are watching my YouTube channel. Then lecture first noun mande padhe ke bhai inshallah hum noun khabar aur types of noun aur the explanation. Now let's begin. First cheez hai noun ka the noun the definition mein no any name word or place person or thing is called noun. Any naming word of place, person or thing is called noun. Very simple. The yokus here, the yokus is known the noun way. The yokus, the yokus, the yokus is known the noun way. Say that. Place, person or thing. Place kisa raji? Place ki bora. Karachi, that yo place name day. Fine. Peshawar. That is Zainam define noun name. Same as the case with Karachi. The Zainam de no noun show. Ha, pa place ki matlab kam chi places thi. So na chi sahi nahi dikhana duniya ki agar tol pa places ki rahi. Person, person yo kas taraf te ishara kai. Like Aslam, Salman, Ikram na tol se di. The person's names thi. No, पर्सन की असलम सलमान इकराम साजिद वाजिद जिसम हम नेम्स दी नाउ टू द पर्संस के रहा जी थिंग्स ऑफ चेयर बुक डस्टर रजिस्टर नोटबुक दैट ऑल से दी द थिंग्स दी थिंग्स द थिंग्स के रहा जी नो आई होप यू नाउ द डेफिनेशन बता सो क्लियर शू वेरी सिंपल है द यूसेस द यूजे या द यूकस नुम ता नाउ होय नो प्लेस की मंगोली जो प्लेस की कम प्लेसेस रहा जी पर्सन की कम पर्सन राजी ओवर थिंग्स कम थिंग्स राजी नो आई होप चे डेफिनेशन में क्लियर हुई उस रजू टाइप्स ना टाइप्स टोलो ने इजी दी फर्स्ट वन कॉमन नाउन ए नेम ना पता लगी कॉमन नाउन कॉमन आम अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन और थिंग मतलब यो जनरल नेम है देन था सो मेन द दा रहा ओकेशन जनरल नेम दा यो कॉमन नेम दे उसी से पारा दे उसी से पारा दे उकस ता पारा आगे तो वही कॉमन नाउन मतलब कम सिस्टम आम इस्तेमाल हो दा यो कस ता पारा द सिस ता पारा या दे उसी ता पारा लाइक गुड एग्जांपल्स के पर्सन के वो एक ना पर्सन के टीचर ने टीचर यो कॉमन नेम ने लाइक हाउ कस ता द केमिस्ट्री टीचर वी आर हम टीचर दे कुद बायो टीचर वी आर हम टीचर दे कोई द फिजिक्स टीचर भी आगा था टीचर में द टीचर यो कॉमन नेम दे दा एक कस्ता पारे तो कम ने जो लर्निंग के फाइन प्लेस की सिटी वो द सिटी हर सिटी रात लेखी स्वात सिटी रात लेखी पेशावर सिटी रात लेखी कराची सिटी रात लेखी हर यो सिटी यो कॉमन नेम दे दा यो ज्यादा पारा प्लेस ता पारा सही ना प्लेस ता पारा यो कॉमन नेम सिटी यूज की सिंपल खबर थिंग की बुक राजी बुक हर किस्म बुक राजी द फिजिक्स बुक राजी द केमिस्ट्री बुक राजी द साइकोलॉजी बुक राजी द इंग्लिश बुक राजी द कॉमन नेम्स ये द कॉमन कोर का बुक सिटी टीचर द टू सिटी द कॉमन नाउन दिया मुंग सिंपल हुआ यू गर्ल्स मुंग यूज को द फीमेल पर एज अ होल यू कॉमन नेम दे द शांति सेम इज द केस विद बॉयज Boys या girls, boys मंगा हुआ है, boys वाले boys, boys ते गंदा योगा मरने हैं दे, the male ला पारा, ना शांति girls ये दे girls, तम the girls ला पारे यो, का मरने हैं दे, सही ना? हाँ, बल्ले proper noun is a specific name for a person, place or thing, specific name, specific, specific name मतलब दाने का ना जो खास हुई आपको शांति बोलने की स्पेसिफिक प्रॉपर सही ना मतलब प्रॉपर नाउन हाँ नाउन दीजिए आगे के मंग द स्पेसिफिक खल को द जहीनो या द थिंग्स जैसा सीजन हो पा रखा हो कोरा पर्सन के फायदे समझ रही हूँ रा सिंपल फायदे सम यो का फायदे सम नहीं वो न दो न त्रि न दस यो कह रहा स्वामो हर सड़े पीछे न प्रॉपर नेम दे सही था ना शांति कस अला मैं बालू है यो कसू प्रॉपर नेम प्रॉपर शख्स नो अगर कैमरा ले जी
प्लेस के पाकिस्तान यो पाकिस्तान दे हर सड़े कम दुनिया ते जे के ना हर सड़े बोझ यो पाकिस्तान दे उस पूरी का जैसा चेन्नई हुई लियो ना बचा हुई ली चिया चाउरी दिली चिया रद्द वो पाकिस्तान दे या पूरी दुनिया की चीज़ है ना वो दस पाकिस्तान दे खुदा का यो पाकिस्तान दे ना दे यो प्रॉपर प्लेस नेम दे ना शांति तें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यो प्रोमिनेंट यो वेल नोन सीज दे और प्रॉपर दे मतलब दासी बल नेम बता सु नहीं दिले जे ग्रेट वॉल ऑफ अमेरिका और ग्रेट वॉल ऑफ पाकिस्तान उस सही उसकी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नो यो स्पेसिफिक सिस तरफ ते इशारा कही सही ना दो प्रॉपर नो बोले कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन दरे नेम ना पता लगी वेरी मच इजी। कंक्रीट नाउन रिफर्स टू नेम ऑफ अ सॉलिड थिंग्स। नेम ऑफ अ सॉलिड थिंग्स। सॉलिड थिंग्स कंसिस्टी सख्त हुई हाँ इस साइट पर दे रिफर कही था जी कम कंक्रीट ना होती द सॉलिड नेम्स मतलब देखिए मुंगा वही ले शुची ब्लॉक ब्लॉक ने ब्लॉक कम ने चाहिए खाली कुरुनो जोड़े था या वो सॉलिड सिस दे का ना मटाक थे सख्त ना शायद थे स्टोन गट गिटे ना से दे दाम या वो सख्त सिस नेम ने नो दाव कंक्रीट ना हो फाइन बल्ले कलेक्टिव ना हो। कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल एनिमल्स और थिंग्स एज अ सिंगल एंटिटी। पूरा कलेक्टिव नाउन के बाद मंगता कलेक्टिव यूसेज ना दे आप ये सिंगल सिंबल बा रिप्रेजेंट कर मतलब कलेक्टिव नाउन की हर नाउन राजी करना चाह पता था डीर यूसेज ने कलेक्शन ना दे पड़ता है ऊपर सिंगल और दाखिल की खाई एंटिटी की खाई सिंगल का टीम दे टीम गोरा टीम टीम जिधर ना कंबिनेशन देखा ना दा चार प्लेयर्स प्लेयर्स जिन्हें नो प्लेयर्स को यूं ना देखा दस दी ग्यारह दी बारह दी पाँच दी छः दी सत्य हर सोने चीज को मोर देन वन दी नो प्लेयर्स ये कंबाइन दी यूसेस मंगता शो कई दा यूसेस कंबिनेशन पे सिंगल फॉर्म के मंगता शो कई सिंगल एंटिटी अगर शांति आर्मी मंगता कलेक्टिवली दा सोल्जर्स ने दी दा पे यू सिंपल मतलब दास यू सिंपल की नाम तो शो कई का ना जी ऑलरेडी मुंह तो पता लगी कि दा सिस चीते दा कम नेम्स चीन नो दा ऑलरेडी द स्पेसिफिक सीजन ऑफ कलेक्शन दे दा यो खास और आर्मी का तो हुआ था ना नो आर्मी नेम का तो चा तो हुआ था ना नो कलेक्ट के लिए खल को तो पता लगी कि दा आर्मी चीन नो पति की ऑब्वियसली सोल्जर थी या कोई और कुछ हुआ चीता दे द पाकिस्तान ची कम देनो टिमरालो सही था नो पर टीम के बाद ऑब्वियसली प्लेयर्स भी करना था पाकिस्तान से कम टीम ने देखे बाद प्लेयर्स भी करना था शांति द कलेक्टिव ना होने दी चेकम की तरह कलेक्शन दी उसे शो किएगी सही था फाइन हाँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन इन अब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू सच थिंग्स दैट वी कांट टच द कांट है हाँ कांट कॉन्ट्रैक्शन दे द कैन नॉट शो कर कैन नॉट द हक सीजन में तरी फर्स की चाह मंगा टच कवल है जो फील कवल है जो गैर मादी चीज था गैर मादी गैर मादी ने गैर मादी आगे साइड तेरी फर्क है लेकिन थॉट सोच थॉट थॉट को मंगा टच कवल है ना जो करना वो सोच मंगा मतलब फील कवल है जो ड्रीम हो चाहो सब पूरे हो ना नहीं यू इलिज यारा माँ खूब टच को बट मंगे फील कवल है जो आज रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट को सोखने चाहिए वाले का नीचे यार हमारा रिस्पेक्ट टच को सही ना हो मतलब फील के दे ही तब शान हैप्पीनेस शो खुशहाली हो सुख टच को वाले नहीं शो फील को वाले जी सैडनेस शो दा सिर्फ डियर अब्स्ट्रैक्ट ना होंगी हम बोले काउंटेबल ना होंगे को लगा हर चाल बोल चीज का चीज आपको बिल्कुल ही चीते नहीं होता नहीं हमने पता लगी चीज हाँ बस इस उन्हें तेरी फर्स्ट के कम से कम काउंट को वाले शुमारा वाले शो ना हो मंगा फॉर फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ तरह के ने एग्जांपल दी सर बुक एप्पल चेयर था दिस थिंग्स थी का ना द टूल मंग शुमारा वाले जो था शांति एबल दे अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन रिफर्स टू सच थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट हा सीजुना कम जी मंगा ने शो काउंट को लेवी किसी या तर लिक्विड सीजुना ना जी हां मिल्क ते मिल्क हो भाई हो सुखने शुमारा वाले का ना शांति राइस चावल सुखने शुमारा वाले ना शांति सेम इज द केस विद शुगर शुगर हम सुखने शुमारा वाले नो दाउ लेक्चर फर्स्ट द नाउन बांधे द नाउन पर टाइप्स बांधे नो इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन रिगार्ड
this lecture first, which is about noun. Now you can ask me in comment section, inshallah. See you in the next lecture. Take care till that time. Allah Hafiz.